राजा राजा की कभी लड़ाई नहीं हुआ करती थी जी। ये लड़ाई की शुरुआत हुई जब बाहरी आक्रांता लोग आए। कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेश जी को व्यवस्था की दृष्टि से इतना परेशान किया। आते हैं जी, और जब मिलने के लिए आते हैं तो उनकी जो कुछ समस्याएं रहती हैं, एक परिचय और आपको मैं कराना चाहूंगा। हमारे छोटे से पुत्र हैं हरि प्रताप सिंह जुदेव जी। ग्रेट ग्रैंडमदर शॉट दिस। अच्छा, मेरी परदादी। अच्छा, उन्होंने शिकार किया था। ये पियानो जो है जी, ये बहुत पुराना है। अच्छा। ये नियरली 200 इयर्स ओल्ड है। परदादा के पिताजी को नजरबंद कर दिया था कैलकटा में अंग्रेजों से विद्रोह के लिए, तो हमारे परदादा को कोरोनेट कर दिया था, महाराजा बना दिया गया। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर जी, विथ हिज जशपुर बेंटली। हर स्टेट का अपने महाराजा के साथ वो उसका फेस पंच होता था सिक्के में, तो वैसे हमारे यहाँ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स चलते थे। हम उनके दिल में रहते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, और हम उनके दिमाग में रहते हैं जो हमसे नफरत करते हैं और हमें याद रखना चाहते हैं। तो आपको ये बातें ज़रूर लग रही होंगी कि मैं किसी राजा महाराजा की तरह बात कर रहा हूँ, तो राजा महाराजा की तरफ बात करने का एक फील्स आ गया। मैं एक राजमहल के सामने खड़ा हूँ। ये जशपुर है, छत्तीसगढ़ का जशपुर ज़िला, और ये जो मेरे पीछे आप किला देख पा रहे हैं ये यहाँ के राजा साहब का किला है। और अभी जो वर्तमान में यहाँ के राजा साहब हैं, राजा रणविजय सिंह साहब, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आगे की बातें आगे, और उनकी निजी जीवन के बारे में जानेंगे, राजशाही के बारे में जानना चाहेंगे, अभी वो राजनीतिक परिवेश में भी हैं उसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। हालांकि राजा साहब का अगर इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो हम तो कोई राजा नहीं, हम तो एक सामान्य से पत्रकार हैं, तो सोचते हैं कि जब राजा साहब का इंटरव्यू करने जाएं तो थोड़ा सा जो फील है अपने अंदर भी, एक राजा के राज्य में हम प्रवेश कर रहे हैं उस तरह का फील आ जाए, और जो चाल ढाल है उसको ज़रा उसी हिसाब से लीजिएगा, थोड़ा स्लोमो बनाइएगा, ताकि हम राजा साहब के महल में जब जाएँ तो लगे कि हाँ हम महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैसा चल रहा है राजपाठ? तो नहीं, पर घर बार ठीक चल रहा है जी। और क्षेत्र जैसे पहले सुरक्षित और संरक्षित था जी, को वैसे रखने का प्रयास करते हैं जी। बाकी तो बढ़िया चल रहा है। आपकी कुछ विरासत के बारे में बताइए, जो राजा साहब यहाँ जब जशपुर में आप लोग आए थे, आपके वंशज जब आए थे, तो उस वक्त जशपुर की कंडीशन क्या थी, और जो राजशाही चलती थी वो राजा राजाओं से लड़ते थे, राजा मुगलों से लड़ते थे, राजा अंग्रेजों से लड़ते थे, तो आपकी जो यादगार है जो दादाजी पर दादाजी आपको बताए हों? हम लोग का आए हुए यहाँ पर लगभग मेरी 26वीं पीढ़ी है। मेरे बड़े लड़के यश प्रताप सिंह गुरुदेव जी हमारे बड़े सुपुत्र हैं पारिवारिक दृष्टि से, और जो हम लोग का जो राज परिवार की व्यवस्था उसके हिसाब से इनको युवराज कहते हैं, तो युवराज जी प्रताप सिंह गुरुदेव जी हैं। तो इनकी 27वीं पीढ़ी है यहाँ पर जी। और अगर अपन एक पीढ़ी का लगभग 30 साल भी अगर अपन लेते हैं जी, तो आप समझ लीजिए लगभग 850 साल हम लोग यहाँ पर हो गए हैं जी। और अब यहीं के हम लोग इस क्षेत्र के ही हैं जी जी। और जो आपने पूछा पहले पुरानी परंपरा राजपाठ और बाकी चीज़ों की, तो
राजा राजा की कभी लड़ाई नहीं हुआ करती थी जी। ये लड़ाई की शुरुआत हुई जब बाहरी आक्रांता लोग आए। अच्छा जी। ये आज जो हम लोग एक कहते हैं कि भाई गलत इतिहास लोगों को पढ़ाया गया, वास्तविकता में वो गलत इतिहास लोगों के मस्तिष्क में शिक्षा के द्वारा डाला गया जी। जो भी राजा हुआ करते थे उनके संबंध एक दूसरे राज परिवार से, चाहे वैवाहिक दृष्टि से और बाकी दृष्टि से, बड़े अच्छे होते थे। वो पोरस की लड़ाई हुई चाहे अलेक्जेंडर से हुई, या अकबर की लड़ाई चाहे महाराणा प्रताप से हुई, बाबर की लड़ाई चाहे राणा सांगा से हुई, तो जो बाहरी आक्रांता थे उनसे हमेशा जूझना पड़ा। हिंदू राजाओं की जी लड़ाई जी। जो मैं जब प्रवेश कर रहा था महल में, तो मुझे ऐसा लगा कि अब राजा साहब के महल में हम जा रहे हैं, तो एक राजमहल का जो एक दरबार लगता है उस तरह के दरबार के भी दर्शन होंगे। तो जैसे राजा के पास मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, और नीचे जो हैं ये याचक होते हैं, सिपाही होते हैं, तो क्या उस तरह का भी दरबार लगता है आपके यहाँ? देखिए, इसको अपन दरबार तो अपन नहीं कहेंगे, पर लोग मिलने के लिए आते हैं जी। और जब मिलने के लिए आते हैं तो उनकी जो कुछ समस्याएं रहती हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद भी बनाया था, तो मैं एक तरीके से जनप्रतिनिधि भी हूँ मैं जी। और जब मिलने आते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या लेके भी आते हैं, तो उसका निराकरण करते हैं जी। मैं इसको बिल्कुल दरबार का रूप नहीं देना चाहता हूँ, पर बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि लोग कई बार जो मेल मुलाकात का जो कार्यक्रम रहता है जी, उसको लोग, उनके लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको वो लोग जनता दरबार का नाम दे देते हैं, जो कि गलत है जी। ये सब जी, नाम देना मेरे ख्याल से उचित नहीं रहता है। जन दर्शन फिर भी ठीक है जी, जनता दरबार का शब्द ठीक नहीं। तो लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं जी, और ये रहता है। एक परिचय और आपको मैं कराना चाहूँगा, हमारे छोटे से पुत्र हैं आर्य प्रताप सिंह जूदेव जी। आर्य आइए, ये प्रताप जी के छोटे भाई हैं, अभी ये लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली से जी, जी जी। और मेरे ख्याल से 3 साल में ये अधिवक्ता बन जाएंगे। और अब जैसे आपने बोला राजपाट का विषय, आजकल सन 47 में हम लोगों ने अपना जो भी राजपाट था, पूरे देश भर के राजा महाराजाओं ने हम लोगों ने हिंदुस्तान में विलय किया जी। बहुत बड़ी त्याग और तपस्या कहेंगे, और ये मोदी जी और जो भी प्रधानमंत्री हुए इसको मानते भी हैं कि राजा महाराजाओं ने स्वेच्छा से त्याग और तपस्या किया और ये किया, वो मानते भी हैं। और अब उदाहरण आपके सामने, हमारे राजनीतिक परिदृश्य में जैसे कि आज जो जैसे आप बीजेपी के आप सपोर्टर हैं और बीजेपी ने आपको बहुत बड़े दायित्व भी दिए हैं, और आज भी जो चुनावी घोषणा पत्र समिति में एक अहम भूमिका निभाने के लिए आपको जिम्मेदारी दी, आपको क्या लगता है बीजेपी की जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ में और देश में किस तरह से उसको चलना चाहिए और चल रही है? देखिए, बीजेपी का आज के दिन कोई विकल्प नहीं है। और अभी मैं आप लोगों के आने के पहले ही मैं लोगों का एक जो एक सोच है जो अपने सोशल मीडिया में लिखते हैं वो मैं देख रहा था मैं, और लोगों को मोदी चाहिए और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए और जो उनका एक विषय था कि जो भी पैसा है, जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं 1 रुपये भेजता हूँ 85 पैसा रास्ते में विलुप्त हो जाता है। मोदी जी ने प्रयास किया, चाहे वो जनधन बैंक अकाउंट खोलने का विषय हो, चाहे जो भी विषय हो, भाई 1 रुपये अगर निकलता दिल्ली से तो 1 रुपये पहुँचना चाहिए, उससे लोगों में बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया। क्या इस परिवेश का, जैसे कि जो भूपेश जी की सरकार अभी चल रही है, इस परिवेश का क्या जो जनता है वो समझ नहीं पा रही इन चीज़ों को, या भूपेश जी का कोई ऐसा जादू है जो चल जा रहा है कि लोग चुनाव में भी उन्हें जितवा दिया, उपचुनाव में भी जितवा दिया, उसके बाद अभी भी आवाज़ें आती हैं काका जिंदा है, और ये हम कवर करते हैं तो वहाँ से भी एक सुनने को मिलता है कि इस तरह से आगे हो सकता है रिपीट भी करें, इस तरह से बातें लोग करते हैं, ये जो लोग कर रहे हैं क्या उनको उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा जो मोदी जी भेज रहे हैं?
जब मैं दिल्ली में सेंट्रल हॉल में बैठता हूँ तो बहुत सारे मेरे कांग्रेस के मित्र और सांसद ही बैठते हैं, हम लोग साथ बैठ के चाय पीते हैं, और वो मुझसे पूछते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में और भूपेश जी के विषय में, ये जनरल चर्चा जो होती है। तो मैंने उनको बोला, देखिए आने वाले समय में सरकार तो बीजेपी की बनेगी जी, भूपेश जी को कोई हटा नहीं सकता था, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे वो जी, पर कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेश जी को व्यवस्था की दृष्टि से इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि भूपेश जी को जितना समय और देना चाहिए था छत्तीसगढ़ में, मतलब वो जो परेशानी है वो किस तरह की परेशानी है, लोग ये भी समझना चाहेंगे और भूपेश जी खुद समझना चाहेंगे कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। उनको पता है वो किस वजह से परेशान हुए वो, आप अगर बता दें। अब मैं जैसा छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ मैं जी, बड़ा दुर्भाग्य हुआ 2 साल पहले पत्थल गाँव में जी दशहरा की यात्रा निकल रही थी जी, एक गाड़ी में मादक पदार्थ की तस्करी हो रही थी, वो आदमी घबरा के इतने स्पीड में गाड़ी निकाला क्या, उसमें शायद 2 या 3 लोगों का उस रैली में देहांत हो गया जी जी जी। लोगों की डिमांड थी, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने 50 लाख रुपए की घोषणा उत्तर प्रदेश जी, में जी, किया जी, जिसमें दुर्भाग्य से एक व्यक्ति के गाड़ी से देहांत हो गया था, 50 लाख यहाँ भी घोषणा करना था, उन्होंने 50 लाख नहीं किया, उन्होंने 4 लाख घोषणा किया। तो ये सब जो चीजें रही जी, और उस समय क्या कांग्रेस के पास 3 ही प्रदेश थे, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जी। पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री इतने सीनियर थे कि शायद वो कांग्रेस नेतृत्व की बात मानते थे कि नहीं मानते थे, इसलिए दोनों को हटाने का प्रयास किया गया, पंजाब में सफल भी हो गए। तो भूपेश जी के सर पे पूरा कांग्रेस का बोझ था। उसके चलते मुझे लगता है कि अगर थोड़ी कांग्रेस इनको फ्री छोड़ देती भूपेश जी को, तो क्योंकि जो उनमें छत्तीसगढ़ी बात वाला विषय है और जो जिस प्रकार से वो छत्तीसगढ़ी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उससे उनके पॉजिटिव साइड तो गया है, पर जितना समय और जितना लोगों के लिए कार्य करना चाहिए था उसमें वो करना चाह रहे थे, पर उनके लोगों के द्वारा वो मुझे लगता है कि उतना नहीं कर पाए। क्योंकि मैं एक राजा साहब के सामने बैठा हूँ तो अनुमति लेना मेरा दायित्व है जी, और युवराज जी मेरे साथ में बैठे हैं तो क्या इनसे थोड़ी बहुत बात। हाँ बिल्कुल, आप यश प्रताप सिंह जूदेव जी हैं, युवराज साहब आप उनके छोटे भाई हैं, आर्य प्रताप सिंह जूदेव, राजकुमार साहब। यश जी कैसा चल रहा है अभी? आप राजकुमार हैं और जब आप शहर में निकलते हैं तो लोग आपको बोलते होंगे राजा साहब के बेटे हैं, राजकुमार जी हैं हमारे, तो ये फील कैसा आता है? क्या बुलेट में चलते हैं, घोड़ों में चलते हैं, क्या उस तरह से जो पहनावा रहता है वो उस तरफ का मेंटेन करते हैं, कैसे? देखिए जो जहाँ तक बात है पहनावा का, हम लोग का बहुत व्यवस्थित रूप से हम लोग का दशहरा पूजा होता है, तो उस दिन हम लोग अपने शेरवानी और साफा और तलवार वगैरह निकालते हैं जी जी। और चूंकि बचपन से मैं हमारे जो परिवार हैं शुरू से लोगों के बीच जाना और जितने भी जशपुर जिला के लोग हैं वो सब हम लोग के एक परिवार के सदस्य जैसे हैं। अच्छा, सदस्य जैसे नहीं, सदस्य ही हैं मानेंगे जी। और इसी वजह से हम शुरू से सबसे भेंट मुलाकात होती रही, सबके घर आना जाना होते रहा, तो एक बहुत पारिवारिक माहौल है। तो एक राजा के जो जो चलचित्र दिखता है तो उसमें एक पगड़ी रहती है और मूछों पे थोड़ी सी मूछों पे ताव रहता है, एक चेहरे पे ग्रेस रहता है, और जैसे राजकुमार जी और आप भी हैं तो एक तिलक रहता है जी। तो जब आप निकलते हैं तो चेहरे पे कैसा भाव रहता है, जब यहाँ से अगर महल से बाहर निकलें और अपनी रियासत में घूमने की कोशिश करें तो क्या लोगों की सोच रहती है, लोग आपको कैसे देखते हैं, आप लोगों को कैसे देखते हैं? नहीं, उत्साह रहता है लोगों में। अच्छा, उत्साह रहता है कि भाई क्या है कि एक ही परिवार के जी, हम लोग सब 800-900 साल हो गए हमें यहाँ पे, इतने जनजाति हैं तो एक परिवार ही लगता है, हमें भी उत्साह है, उनको भी उत्साह है। और बाकी जहाँ तक टाउन की बात है तो भाई टाउन में हम तो क्या दिल्ली में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, तो टाउन में कम मतलब जैसे आगे 2 महीने में 2 महीने यहाँ रहे फिर दिल्ली पढ़ने अपना चले गए, तो पढ़ाई में हमारा फोकस है, अभी फोकस है पढ़ाई जी। राजा साहब आपके पास आप जब निकलते हैं शहर में तो जैसे पहले के राजा जब किसी पर प्रसन्न हो जाते थे तो उन्हें अपनी मालाएँ उतार कर दे देते थे, लो यार खुश रहो,
तो क्या वैसा आज परिवेश तो मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, लेकिन आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या आज इस तरह से भी लोग याचना करते हैं कि राजा साहब प्रसन्न हो जाइए, कुछ दे जाइए? वैसी याचना तो नहीं रहती है, पर लोग मदद की उम्मीद करते हैं जी। अब कई बार लोग अपने घर से निकलते हैं, बस का पैसा नहीं रहता है, तो जरा बस वाले को बोल दीजिए कि भाई हमको बस में ले आए जी, जी जाने के लिए भाई फिर कुछ पैसा दीजिए जी। तो इस टाइप की ये कुछ अच्छा रहता है, जैसे अपन अपन परिवार में जैसे लोगों से मांगते हैं कि भाई कुछ सहयोग कर दीजिए, तो वैसा रहता है। और बाकी सब मदद करते रहते हैं, ये वनवासी क्षेत्र है, यहाँ हाथियों का क्षेत्र है, ये बीच में नक्सलवाद यहाँ बड़ा हावी था जी, अब तो ख़त्म है जी। धर्मांतरण का विषय है, आप लोगों ने धर्मांतरण के विषय को लेकर बहुत कुछ यहाँ पर अपनी योगदान को दिया है, और उस विषय को लेकर काफ़ी कुछ गंभीरता से जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने भी, और आप लोग अभी आपकी सक्रियता के बारे में जानकारी नहीं ले पाए, लेकिन जो पूर्व के जो रहे हैं तो उन्होंने धर्मांतरण का विषय को बहुत गंभीरता से लिया। क्या विषय ऐसा क्या हो गया है कि मतलब लोग इतने ज़्यादा अगर धर्मांतरित हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण मानते हैं उसका? देखिए तो जो एक ये कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते भी हैं जी, पर सेवा के आड़ में अगर आप किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो विषय का हम लोग का विरोध रहता है। आदमी अस्पताल खोले, आदमी यहाँ पर स्कूल खोले, उसका स्वागत है, उनको इतने फॉरेन एड्स मिलते हैं, फॉरेन फंडिंग मिलती है, उसका सदुपयोग होना भी चाहिए। पर अगर आप उनको चर्च में ले जाके उनको बैप्टिज्म करके उनको अगर कन्वर्ट करेंगे, उसका विषय विरोध होता है। हमने तस्वीरों में देखा है प्रबल प्रताप सिंह जी जो घर वापसी अभियान चलाते हैं, तो उसमें मतलब पैर पखार कर और चरण माथे पर लगाकर उनको घर वापसी का एक बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था। क्या इस तरह से आज भी अभी भी जरूरत है? क्या बहुत से लोग आज भी हैं जो कन्वर्टेड हैं और उनको वापसी के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? आप लोग बिल्कुल, ये दिलीप सिंह जुदेव जी के देहांत के बाद प्रबल प्रताप को इसका जिम्मा परिवार के तरफ से भी और बाकी सामाजिक संस्था की तरफ से भी दिया गया कि तुम धर्मांतरण का कार्य करो, और वो उसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य शुरुआत किया था दिलीप सिंह जुदेव जी ने, ऑपरेशन घर वापसी का, और बिल्कुल उसकी आवश्यकता है। और क्योंकि अगर पॉपुलेशन बैलेंस बिगड़ा तो मणिपुर की स्थिति हम देख ही रहे हैं, जो भी हो रहा मणिपुर में बड़ा दुर्भाग्य है, चाहे किसी की तरफ से भी हो रहा है, और सेम पोजिशन यहाँ पर। आज से कई साल पहले, ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम पोजिशन यहाँ पर थी, पर बड़ा खराब पोजिशन पहले इस क्षेत्र में हुआ करती थी। रातों रात गांव के गांव धर्मांतरित हो जाते थे और हिंदुओं को बड़ा यहाँ दिक्कत हुआ करती थी। मैंने कुछ समय पहले टीएस बाबा साहब को भी इंटरव्यू किया था, उनसे भी बहुत सारे सवालात किए थे, वो भी एक राजा हैं। तो क्या लगता है टीएस बाबा साहब की इतनी लंबे समय तक कांग्रेस से अदावत, एक प्रकार की बोलना चाहिए कि इनडायरेक्ट अदावत ही थी, पार्टी में रहते हुए उन्होंने पार्टी के कुछ विंग्स को और पंचायत का विभाग को इस्तीफा भी दे दिया था, और एक बातचीत में एक खटास जैसी थी, चार महीने साढ़े चार महीने के लिए डिप्टी सीएम का पद संभालना, आप किस रूप में लेते हैं इसको? बिल्कुल, पार्टी देखिए जिस प्रकार से, मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ, वो भी कांग्रेस के सिपाही हैं जी, और बिल्कुल पार्टी चार महीने किया, अगर उनको चार दिन के लिए भी अगर आदेशित करती कि तुमको भाई आपको मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल उनको लेना चाहिए था। क्योंकि जिस पार्टी में जो भी काम करता है, पार्टी का निर्देश सर्वोपरि होता है, और मैं समझता हूँ एकदम सही किया उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद। कुछ लोगों के ये भी मानसिकता जैसे सुनने को मिलती है कि राजा साहब जब कितने समय तक उन्होंने अपना एक प्रकार का एक आत्म स्वाभिमान या सेल्फ रेस्पेक्ट को इस तरह से बचाए रखा था, तो चार महीने के लिए उन्हें इस तरह से सरेंडर नहीं होना था। देखिए इस चीज़ को आप सेल्फ रिस्पेक्ट से हम लोग जोड़ के या सरेंडर से हम लोग जोड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ढाई ढाई साल का जो विषय था वो कांग्रेस भूपेश जी और टी एस सिंहदेव जी के बीच की बात थी। अगर कांग्रेस ने उनको ढाई ढाई साल के लिए बोला था तो उस पर खरा उतरना था, पर उसके बाद भी टीएस महाराज सरगुजा श्री टीएस सिंहदेव जी की महानता देखिए, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कांग्रेस कमजोर हो, और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उसके बाद भी उनको अगर उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया तो उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया, बड़ी अच्छी बात है।
राय साहब, जैसे कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक जो पिछला कार्यकाल रहा है जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज करी, तो उसमें सरगुजा और बस्तर बेल्ट से बीजेपी को काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ, और अभी भी ये परिवेश हो रहा है कि जैसे नंदकुमार साय जी को बीजेपी से कांग्रेस में ले लेना, उसके बाद फिर TS बाबा जी को डिप्टी CM बना देना, तो क्या ये लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल में लगी है कांग्रेस की? मतलब अब बस्तर और सरगुजा पे फोकस होना चाहिए, तो उसके लिए जो वहाँ के प्रबल जो लोग हैं, जो दमदारी रखते हैं, जो पकड़ रखते हैं, उनको संजो कर रख ले, तो इस तरह से आपकी सोच क्या है कि आगे बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजी खतरनाक तो नहीं हो जाएगी? हम लोग जब पिछले चुनाव में जा रहे थे तो मुझे पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पर जब से हम लोगों ने धान खरीदना बंद किया जी, वो हमारे लिए एक तरीके से बड़ा ख़राब निर्णय हम लोग का रहा वो जी। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग अगर धान खरीदना बंद नहीं करते, बोनस बंद नहीं करते, हमारी सरकार फिर रिपीट होती जी। और जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस TS बाबा को उन्होंने बनाया, सरगुजा महाराज को उप मुख्यमंत्री, नंदकुमार साय जी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी दी, तो उनका उनका अपना विषय है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मतलब बीजेपी के एंगल से मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर बड़े बड़े महारथियों को इस तरह से कांग्रेस अंतिम में संजोते जाएगी, तो आप लोगों के पास में सरगुजा और जो बस्तर बेल्ट से जहाँ से कांग्रेस को बहुत बड़ी लीड मिली थी और बीजेपी का एक बार टुकड़ा साफ हो गया जी, तो उस जगह पे फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के लिए वही चीज़ खतरनाक तो नहीं हो जाएगी? क्या मास्टर प्लान कुछ ऐसा कुछ बन रहा है कि जिसमें बस्तर और सरगुजा को लेकर कुछ विशेष तैयार आप लोग सोच? नहीं, जैसा आपने बोला कांग्रेस अपना कर रही है और हम लोग भी अपने रणनीति में लगे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सरगुजा और बस्तर में और जो मैदानी इलाके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी करेगी, और हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरे पे तो नहीं लड़ रहे हैं, पर हम लोग प्रधानमंत्री जी को अपना चेहरा बना के लड़ रहे हैं, तो उसका लाभ भी पार्टी को जरूर मिलेगा। जैसे कि एक सवाल भी आता है राजनीति में छत्तीसगढ़ की कि आदिवासी मुख्यमंत्री, लोग ये चर्चा परिचर्चा में रहता है, कांग्रेस में भी ये बातें आती हैं और भाजपा में भी आती हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री को अब आदिवासियों की कमान संभालने या छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के लिए उनको दायित्व मिलेगा। पार्टी की विचारधारा है वो तो खैर खुलकर नहीं आती है, आपकी व्यक्तिगत विचारधारा अगर कुछ हो सकता है कि अगर पार्टी को इस तरह से भी निर्णय लेना पड़े तो ऐसा चेहरा कोई है क्या? देखिए क्या है कि चुनाव के बाद जिसके विधायक ज़्यादा होते हैं उनका मुख्यमंत्री बनता है, और विधायक दल तय करता है कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक जिसके पास या जिसके पक्ष में ज़्यादा होते हैं, केंद्र नेतृत्व उस चीज़ को भांप के फिर वो डिक्लेयर करता है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है। तो ये तय मुख्यमंत्री का विषय तय होगा कि विधायक जीतेंगे, फिर उन 90 विधायकों में भी किसके कितने विधायक आते हैं, और उसमें से भी अगर कोई पॉपुलर चेहरा है तो विधायक उसको चुनेंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, विष्णु साई जी हम लोग राजकार्य समिति में हैं, रेणुका सिंह जी हम लोग के केंद्र मंत्री हैं, रामविचार जी नेताम हम लोग के बड़े नेता हैं, तो वनवासियों को भी भारतीय जनता पार्टी बहुत तजुर्बा दे रही है और अच्छे स्तर पर। राजकुमार साहब, आप जैसे युवा मोर्चा से अभी युवाओं को लेकर चलने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी सेंट्रल लेवल से भी बनती है, स्टेट लेवल से भी बनती है कि युवाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आपको क्या लगता है कि जैसे जब टिकट का आवंटन हो तो जो आवंटन में युवाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? अगर आप सोच रखते हैं कि युवाओं को बहुत बड़ा कोई आगे कोई कद और पद मिले, तो उस विषय में आपकी जो राय हो? देखिए, जो युवा मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी है, किसी भी धरना प्रदर्शन हो गए या किसी भी ऐसे कार्य में युवा मोर्चा हमेशा फ्रंट लीड पर रहती है बड़े नेताओं के, और बिल्कुल युवाओं को एकदम आगे करना चाहिए, बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए। जैसे हम लोग के बैंगलोर के और प्राइम मिनिस्टर के ब्लू आए तेजस्वी सूर्या हैं, मोस्ट यंगेस्ट MP हैं बैंगलोर के जी, और हम लोग के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं युवा मोर्चा के। तो जब एक युवाओं को आप आगे लाते हैं तो एक नई सोच। कितने फीसदी की डिमांड करते हैं आप युवाओं को? मतलब जैसे भागीदारी हो तो महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि इतने फीसदी महिलाएं लड़ेंगी, युवाओं की जो प्रबल नेतृत्व है उसके लिए कितना फीसदी डिमांड कर रहे हैं? अब हम लोग को जितना भी उस पर रहे, जैसे कि हम लोग उस पर अभी मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उस पर, हम लोग छत्तीसगढ़ की युवा मोर्चा की टीम और हम लोग सब उस पर कर रहे हैं, अभी सब
एक यहाँ का एक सवाल अंतिम कर रहा हूँ, उसके बाद आपका थोड़ा सा महल जो है वो देखेंगे और वहाँ के बारे में जो पूर्वज हैं उनके बारे में बात करेंगे। दिलीप सिंह जुदेव जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, हम लोग तो थोड़ा बहुत जानकार हैं, थोड़ी जानकारी रखते हैं, जो लोग नहीं जानते जो दूर से देख रहे हैं इंटरव्यू को या दूर से हमारी आपकी बातें सुन रहे हैं, तो दिलीप सिंह जुदेव जी की जो सक्रियता थी या क्रियाशीलता वो क्या थी, किस तरह की व्यक्ति थे, क्या सोचते थे और अपने राजपाट को और राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह चलाते थे? दिलीप सिंह जुदेव जी का इस समूचे क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो। सुरक्षित रखना और शांतिपूर्ण रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको भुलाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। और बड़े सक्रिय थे वो, बड़े ऐसा लगता है पार्टी ने कभी उनकी उपेक्षा की, कभी उपेक्षा नहीं, में रहते कभी हुए कभी मतलब उपेक्षा। कई बार ये बातें आती थी चर्चा में कि मुख्यमंत्री के लिए एक प्रबल चेहरा दिलीप सिंह जुदेव साहब हैं, हो सकते हैं, तो इस विषय को लेकर भी कभी कुछ मलाल सा रह गया था कि मतलब उनको इतना कद और वजन होते हुए भी पार्टी ने जो उनको एक ऊपरी लेवल का ऑफिस लेवल का स्थान देना था वो नहीं दिया। हम लोग की कई बार उनसे बात होती थी जी, और वो पब्लिकली भी कहते थे कि देखिए जो मुख्यमंत्री बनता है उसे 15 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ता है जी। बोले मैं उतना घंटा काम में दे ही नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो मेन कार्य है वो हिंदुत्व का है, समाज के लोगों के बीच जाने का है, और मैं ऑफिस बैठ के ये फाइल निपटाने वाला काम नहीं कर सकता हूँ। और उस समय कहते थे कि मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, मैं राजनीति में रहना इसलिए ज़रूरी है, उनका कहना था कि भाई राजनीति में रहने से क्या है, एक दबाव रहता है, लोग काम आसान हो जाते हैं, और इसलिए वो उनका लक्ष्य ज़्यादा संसद में रहने का हुआ करता था जी। राजकुमार साहब, आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं जी, कानूनन अगर इस विषय को समझें कि आरक्षण पे जो मसले पे अभी छत्तीसगढ़ में चर्चा परिचर्चा या विधेयक जो प्रस्ताव पारित हो गया है, आरक्षण के मसले को आप किस रूप में लेते हैं, अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो अभी तो अटका हुआ है सारी चीज़ें, तो क्या हो सकता है, जो निर्णय है सरकार का कितना सही है कितना गलत है और उसमें आगे क्या? देखिए देश का भी ले लीजिए अगर आरक्षण की बात, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो देनी चाहिए, और आरक्षण को अगर चाहे किसी भी जगह के, जैसे हम लोग अभी चुनाव हम लोग का हुआ था कर्नाटक में, महान सरकार नहीं बनी, 4% मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, वो ज़रूरत नहीं था मुझे, नहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड या वीकर क्लासेस को आरक्षण दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आर्थिक आरक्षण पे ज़्यादा भरोसा करते हैं मतलब बाकी। लेकिन यहाँ पे जशपुर छत्तीसगढ़ की बात करें तो STSC का भी आरक्षण मुझे वाजिब लगता है। अच्छा वाजिब, उसके पीछे कारण? क्योंकि देखिए यहाँ पे धर्मांतरण क्योंकि होता है तो ये क्या करते हैं, जितने मिशनरीज होते हैं ये अपना कोचिंग दे दे के, अपने हैं तो इन लोग क्रिश्चन, इन लोग आदिवासी कोटे से घुसाते रहते हैं, चाहे IAS का हो या अदर गवर्नमेंट जॉब्स हो, तो उसमें मुझे लगता है जो जेन्युइन हमारे वनवासी भाई हैं उन लोग को कहीं ना कहीं मौका उनका छूट जाता है। ये जो घटनाक्रम अभी हो चुका है छत्तीसगढ़ में जो हो चुका है, कानूनी दृष्टि से उसका निर्णय या उसको सकारात्मक रूप से किस दिशा में ले जाया जा सकता है, क्योंकि अभी जैसे सरकार कहती है कि हमने तो अपना काम कर दिया, जो राज्यपाल जी हैं उनके यहाँ आरक्षण विधेयक रुका हुआ है, तो अब जो निर्णय है वो क्या कैसे होगा, क्या जनता इसी अटकाव और भटकाव में जीती रहे कि कोई नेता इस तरह से बोल रहा है कोई नेता इस तरह से बोल रहा है, हमें बस सुनना है हाथ जोड़ के? नहीं नहीं, वो जो नेता लोग हैं उनसे पूछिए आप, हमसे मत, आपसे नहीं, मैं कानून हूं, हम स्टूडेंट हैं राजा साहब जो बैठे हैं विधानसभा में, जो बैठे हैं, आप बताएं इस विषय का निर्णय कैसे हो सकता है कि जब कोई दोनों पलड़ों में बातें आ रही हैं और दोनों ही अपने आप को सही कहते हैं, राज्यपाल जी के पास में जो निर्णय पड़ा है वो भी साइन करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस की सरकार कहती है भाई हमने तो विधेयक ला दिया है, तो किस तरफ जाएगा ये जो ये दिशा है किस तरफ जाएगी? नहीं, इसका देखिए इसका जो भी निर्णय है और निष्कर्ष है वो तो विधानसभा के अंदर ही निकलेगा, ये जो 90 विधायक हैं वो जो भी निर्णय वहाँ पर लेंगे संवैधानिक दृष्टि से सबके सब पक्षों में ध्यान रखते हुए वही कानून बनेगा। ये बात अलग है कि जब तक गवर्नर साहब के टेबल में ये बात आई अनुसुईया UK जी के टेबल में
जैसे उनकी टेबल में आई, मैं समझता हूँ कि जब तक वो स्टडी कर रही थी उन्होंने एक आध जो अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद उनका वो गवर्नर बन गए मिजोरम की, फिर नए गवर्नर आए, वो उसको स्टडी करेंगे जी और उनको जो ठीक लगे, क्योंकि अब उनके मन और मस्तिष्क में क्या बात है वो हम लोग कोई बता नहीं सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ आप बता सकते हैं, तो एक बार जब वो स्टडी कर लेंगे जी तो फिर वो उस पर चर्चा होगी। दूसरी अगर आप कानून की बात अगर आप कहेंगे, चूँकि मैं सांसद था, मैं मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि जो तीन बड़े बिल थे, चाहे राम जन्मभूमि का विषय हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बनने का विषय हुआ, चाहे आपके मुस्लिम महिलाओं के बिल जो पास हुआ जी, उन सब में मैंने अपना वोट दिया जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के दिन बहुत बड़ा एक विषय है, और जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, परसों ही आर्य प्रताप सिंह जूदे हमारे छोटे से पुत्र, एक परिचर्चा हुई थी जशपुर में, उसमें भाग लेके भी आए थे वो जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं समर्थन करता हूँ मैं जी, क्योंकि एक देश में जिस प्रकार से हम लोगों ने और सभी लोगों ने कहा कि भाई एक देश में दो प्रधान, दो संविधान और दो निशान नहीं चल सकते, उसी प्रकार से जी देश में दो कानून नहीं चल सकते जी। जी क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, सिविल लॉ सबके लिए अलग है। कोई कहता है हम पारसी लॉ से गवर्न होंगे, कोई कहता है हम मुस्लिम लॉ से गवर्न होंगे, ये मैं इसका विरोधी हूँ मैं। वन जैसे वन नेशन वन टैक्स है, वैसे वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। जैसे कि आपको जो चुनावी घोषणा पत्र समिति का एक बहुत प्रबल जिम्मेदारी वहाँ की मिली है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जो धान खरीदी का जो विषय है उसमें जो कांग्रेस ने एक कॉम्पिटिशन पैदा कर दिया 2800, तो क्या इस विषय से अब ऊपर जाना होगा बीजेपी को? और क्या शराबबंदी जैसे मसले पे जब आप लोग सवाल करते हैं कांग्रेसियों से कि आपने गंगा जल की कसम खाई थी और शराबबंदी आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बीजेपी के राज में शराबबंदी की जा सकती है? देखिए मैं घोषणा पत्र समिति का हूँ मैं, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं अभी आपके सामने जी कहूँगा जी, ये भी ना समिति का है ना भारतीय जनता पार्टी जी, का क्या निर्णय होगा, व्यक्तिगत विचार ही जाना चाहिए। ये मैं अपने व्यक्तिगत विचार मेरा ये है कि कांग्रेस जितना भी घोषणा करेगी जी, ये मैं समूचे छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वास दिला के कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में जितने भी MSP की घोषणा करेगी, अपने धान खरीदी घोषणा करेगी, उससे हम ज़्यादा देंगे हम जी। हम देखते हैं उनका क्या आएगा। तो चलिए ये ऐलान तो हो चुका है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के लिए अब थोड़ा सा जो घोषणा पत्र है उसके पलड़े को कहीं ना कहीं अपने पलड़े को वजनदार बनाने की कोशिश में रहेगी, और राजा साहब से बहुत सारे विषय पे, सीरियस मुद्दों पे, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी, उन विषयों पे बातचीत हुई और साफ तौर पर हमने कोशिश की कि राजशाही कैसी होती है और कैसी चलती थी, और राजशाही का जब एक लोकतांत्रिक समायोजन और एक समायोजन में उस तरह से राजशाही भी देखनी है और पुराने पूर्वजों के द्वारा जो संचालित जो एक राजपाट था उस क्रियाशीलता को भी जीवित रखना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जीना है, तो उस व्यवस्था में जीते हुए राजनीतिक परिदृश्य को ये किस तरह से आंकते हैं, देखते हैं, और उस रास्ते को जो एक मृग तृष्णा सी कहलाती है, उस मृग तृष्णा में जो उड़ती हुई जो एक धुंध है, उस धुंध को कैसे भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, और इनकी जो अहमियत है वो आगे पार्टी किस तरह समझती है, ये देखने वाली बात होगी। ये हुआ सीरियस टॉपिक। अब हम आपको कोशिश करेंगे कि राजा साहब के राजमहल को भी थोड़े से उनका दर्शन करा दें, वहाँ पर जो चित्र और चलचित्र हैं उनके भी दर्शन आपको कराएं, उन विषयों पर भी बात करें। दरबार में खड़े हैं और राजा साहब का जो महल है, जो उनकी राजशाही है और उनकी जो विरासत है, उसकी तस्वीरें आपको ना पहुँचाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो राजा साहब ने अनुमति दी है, हमने अनुमति दी है राजा साहब से, और आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं, और राजकुमार साहब वहाँ मिलेंगे हमको अंदर, और उनसे बातचीत करेंगे और उनकी विरासत आपको दिखाते हैं। और ये राजमहल है, राजमहल में राजकुमार साहब बैठे हैं और बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आप देख पाएंगे, जो वन्य जीवों की तस्वीरें हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे, और बहुत से तस्वीरें हैं और फोटोग्राफ्स हैं जो इनके पूर्वजों की हैं, उनके बारे में राजकुमार साहब बताएंगे। भाई श्रीकांत जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजकुमार साहब आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हम जानना चाहते हैं कि जो तस्वीरें हैं, ये जो बड़े बाग हैं, इनकी जो कहानियाँ हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जिस आप लोग जिस कक्ष में आए हैं, इस कक्ष को दरबार हॉल कहते हैं, और ये सब जो बाघ हैं और यहाँ भालू हैं, वहाँ पे हिरण पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपके सांभर के हैं,
ये सब हम लोग के दादा परदादा और हम लोग की दादियाँ भी, अच्छा दादी परदादी भी उस टाइम मारे गए हैं, तो ये सब अपने रजिस्टर्ड ट्रॉफीज हैं जी। इसको संभाल परिचय जरा करा दें हम। ये हरी जी बताइए, ये जो तस्वीर दिख रही है जी, हमारी दादी बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ग्रैंड डॉटर थी। अच्छा, उनके बारात का ये बीकानेर रोल्स रॉयल्स बीकानेर नंबर 9। अच्छा। पहले रेड प्लेट्स हुआ करती थी, नंबर प्लेट्स नहीं, रियासतों की रेड प्लेट्स हुआ करती थी। जी जी जी, ये बीकानेर नंबर 9 रोल्स रॉयल्स है जी, जी। उसमें बारात की फोटो है और वो वन ऑन वन बना था, बंदूक भी दिख रही है। ये बहुत पुरानी पोर्ट्रेट है, ये बंदूक नहीं है, पोर्ट्रेट है। अच्छा अच्छा, हाँ। ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर महाराजा, लास्ट महाराजा विजय भूषण सिंह और उनकी वाइफ जो बीकानेर की थी जी, जी। और ये हमारे ग्रैंडफादर। अच्छा, ये 47 में आजादी के पहले पैदा हुए थे। अच्छा, इसलिए अच्छा। रिकॉग्नाइज्ड युवराज। अच्छा अच्छा जी, और ये एक हंटिंग ट्रिप, हंटिंग है। ये महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर की पिक्चर है, हंटिंग ट्रिप उनकी, ये शायद एमपी में ग्वालियर में शायद कहीं गए थे। बाघ और एक नीलगाय, नीलगाय नहीं, नीलगाय नहीं मारा करते थे, सांबर है, सांबर है जी जी जी। और हमारे बाघ, जो बाघ देख पा रहे हैं, ये माय ग्रेट ग्रैंडमदर शॉट दिस। अच्छा, मेरी परदादी, अच्छा उन्होंने शिकार किया था। अच्छा, और वो जशपुर स्टेट का, ये बीकानेर की फोटो है, महाराजा साधु सिंह जी जी बीकानेर और महाराजा विजय भूषण सिंह जशपुर जी जी। ये हमारे, ये जो है, ये हमारे जितने मेरे परदादा के पिताजी जी, राजा देवशरण की फोटो है, और उनके हमारे जितने मंत्री हुआ करते थे और कुछ अंग्रेज ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं उसमें जी, उसकी फोटो है। ये हमारे परदादा के पिताजी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भी की थी। अच्छा, आज़ादी के लिए जी, और इनको नज़रबंद कर दिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था। अच्छा, और ये ओल्ड पैलेस है हमारा जी जी, ओल्ड पैलेस। ये जो नज़रबंद किए थे ने, जी, इनको कैलकटा में किया था, ये कैलकटा में किया गया था। अच्छा, जब मेरे परदादा 3 साल के थे। अच्छा अच्छा, तब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। अच्छा जी, वो उनकी लाइफ साइज पोर्ट्रेट है ये ऊपर दिखा, राजा देवशरण सिंह ऑफ जशपुर जी जी, उनकी लाइफ साइज पिक्चर है। और ये हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर, उस तरफ आएंगे तो हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर जो जय कुमारी बैसा ऑफ बीकानेर, वो हमारी ग्रेट ग्रैंड फादर की फोटो है, ओल्ड पैलेस में पोर्ट्रेट बनाई गई थी फादर की। ये ग्रैंड फादर युवराज उपेन्द्र सिंह जी, वो वाली जी, उपेन्द्र सिंह जी की जी। और ये मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के फादर, अच्छा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, राजा देवशरण, उनके फादर हैं ये जी, राजा विष्णु प्रताप सिंह जी। इनके टाइम में कहा जाता है जशपुर बहुत प्रॉस्परस था। अच्छा, यहाँ बिजनेस और ट्रेड बहुत बढ़ गया था। अच्छा, तो यहाँ पे ऑफकोर्स मतलब उस जमाने में बिजनेस और ट्रेड की बात, मतलब बहुत पहले की बात है, तो बिजनेस जी, किस तरह का और ट्रेड कैसा? देखिए बिजनेस फिर वही आपके मसालों का बिजनेस बहुत था, राजस्थान में जो जोधपुर तरफ लाल मिर्ची हो गई, कोई ट्रेडर होगा शायद यहाँ से आके बेचा होगा। फिर हमारे जो बीड़ी बनता है उसका तेंदू पत्ता होता है, जो आज भी हमारे यहाँ बिजनेस बहुत। अच्छा, तो तेंदू पत्ता शायद वहाँ जाता होगा, अगर वहाँ उपलब्धि नहीं होगी तो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय हुआ करते थे, समय के अनुसार बदले भी हैं। देखो बहुत बड़े बाघ की तस्वीर है ये, तस्वीर तो नहीं बोलूंगा, ये खाल है और बाघ की बाकायदा अभी अभी किसी खाल के ऊपर, किसी खाल के ऊपर खड़े हैं अभी। हाँ हाँ, अच्छा, ये हमारे तरफ इसको कोटरा कहा जाता है इंग्लिश में। इस पे खड़ा होना कोई वो तो नहीं है ना, मतलब ये नीचे रखा हुआ था, हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ नहीं, तो ये मतलब खड़े हुए नहीं जाता इसमें, लेकिन हाँ ये कोटरा हमारे इलाके में कहते हैं इसको, दिस इज अ बॉकिंग डियर। अच्छा अच्छा, छोटा रहता है में, बॉकिंग डियर दांत निकले रहते हैं और हम लोग की तरफ बहुत मिलता है बाघ। ये जो बाघ है इसका शिकार किन्होंने किया था, क्योंकि इस तरह के जो इस साइज के बाघ हैं वो आजकल जंगल में नहीं मिलते। ये तो ये मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ने, महाराजा विजय भूषण सिंह ने किया था। जब उनकी शादी हुई थी तो शायद ये कोटा में उस समय, क्योंकि हमारी परदादी की खुद की बुआ लेट महारानी कोटा थी, तो शायद कोटा में, जो महाराज कोटा ने मुझे बताया था कि वहाँ पे शायद ये शॉट हुआ होगा और कोटा से यहाँ आया है। कुछ तस्वीरें इधर भी हैं और ये फैमिली की तस्वीर है, इनके बारे में ये इधर से आई है, ये वरुण गांधी जी और, अच्छा हमारे फादर की, ये है बहुत पुरानी फोटो है वरुण गांधी जी जी हमारे फादर जी। अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पियानो जो है जी,
ये बहुत पुराना है। अच्छा। ये नियरली 200 इयर्स ओल्ड है। अच्छा। लाइप्ज़िग करके एक जर्मनी में शहर है। लाइप्ज़िग में क्या है, उसको लिप्ज़िग भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनंसिएशन लाइप्ज़िग है उसका। तो वहाँ की खास बात क्या है कि वो अकेडमिक्स की बात की जाए तो भी बहुत उसमें आगे रहा है। जैसे फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वहीं बना था, तो ये लगभग उस टाइम का 200 साल पुराना ये पियानो है। ये बजा लेते हैं आप, बजा लेते हैं कीज। मेरे को आता नहीं है बजाने। हाँ, 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 ये अभी चालू है वर्तमान कंडीशन में। हाँ जी। अच्छा, ये इसकी चाबी भी आया करती थी। अच्छा। और लिखा भी होगा, ये देखिए। हाँ, ये चाबी जी, ये लिखा है लाइप्ज़िग। ये जर्मनी में बना था। अच्छा। ये जर्मन में लिखा भी है, जर्मन पढ़ने नहीं आता तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे। 1818 ये कंपनी के वन ऑफ द फर्स्ट एडिशंस में से एक था। अच्छा। वेरी रेयर टू फाइंड नाउ। ऐसा हमारे पास दो है लाइप्ज़िग। अच्छा। जी जी जी। सो ये जो बड़ा सा सींग और ये जो जानवर है, ये क्या बन वैसा है? फोटो हाँ हाँ जी, फोटो में बात कर रहे हैं। ये फोटो में हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतों के महाराजा की पिक्चर है। हमारे पिताजी यहाँ पे एकदम बीच में। अच्छा जी। ये जी, और ये महाराज सिंधिया, ये महाराज किशनगढ़, करौली, ये उदयपुर जी, सिरोही, बहुत सारे अलग अलग राजा महाराजाओं का ये एक फ्रेम में पिक्चर है। जी जी। और ये हमारे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि हमारे परदादा के पिताजी को नज़रबंद कर दिया था कैलकटा में अंग्रेजों से विद्रोह के लिए, तो हमारे परदादा को कोरोनेट कर दिया था, महाराजा बना दिया गया था। ये हमारे परदादा हैं, ये उनकी माता जी हैं। जशपुर में कुछ इवेंट हुआ होगा तो ये हमारे पॉलिटिकल एजेंट हैं, वो भी हैं। अच्छा। मिस्टर लॉ पेट्रोल जी पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे हमारे। जी। एंड ही इज महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर अगेन। उनके कोई एक्सपीडिशन हुआ होगा तो शायद गए होंगे। ये मैं समझना चाह रहा हूँ, ये क्या बाइसन है? ये बाइसन जी, ये बाइसन है। बेसिकली ये बाइसन का स्कल जो है, दैट्स इम्पोर्टेंट, वो ट्रॉफी तो वही है। और ये मेरे ख्याल से मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के फादर ने, उन्होंने मारा था ये, जितना हमें नॉलेज है। और बाकी ये जशपुर, ये मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के फादर जी विथ हिज जशपुर बेंटली जी, ये हमारी बेंटली हुआ करती थी। जो गाड़ियों के जानकार होंगे शायद फ्रेम देख के बता दें ये बेंटली है, ये है। और ये मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर, उनकी पहले टॉय कार्स आती थी जो एकदम रियलिस्टिक थी। हाँ, हाँ। जो चलती थी जी जी बिल्कुल, तो ये था जी। और ये मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर, ये जो ट्रॉफी का कलेक्शन आप देख रहे हैं जी, ये बहुत कम ट्रॉफीज हैं। अब अंदर भी हैं कई सारी, तो ये पूरी ट्रॉफी का कलेक्शन नहीं है हमारे, बट अंदर भी है। तो ये असली ट्रॉफीज हमारे पास इतनी सारी हुई करती थी। ये देखिए बाइसन है, आप लगभग 40-50 शेर यहीं देख लेंगे, इतने सारे शेर हैं यहाँ। और ये महाराजा गंगा सिंह जी अगेन, ये इसमें गेंडा है सर, ये हाँ राइनो है, ये राइनो है। अफ्रीकन एक्सपेडिशन थी उनकी, ये अफ्रीका में शूट किया गया है। ये फिर महाराजा गंगा सिंह जी के एक और पिक्चर विद महाराज साधुल सिंह जी, ये बाइसन यहाँ पे शूट किया गया है जी। और ये मेरे ग्रैंडफादर युवराज उपेन सिंह जी, जिनकी फोटो देखी थी हमने गोद में भी, ही डाइड एज अ युवराज बहुत कम। ये दिलीप सिंह जुदेव के बड़े भाई थे। अच्छा जी। अच्छा, ही वाज द एल्डर ब्रदर। अच्छा। तो ये हमारी विलीज जीप पुरानी, लेफ्ट हैंड ड्राइव, ओरिजिनल इंजन। और ये एक दिन में दो शिकार किया था, दो भालू हैं ये, ध्यान से देखिएगा। तो देयर आर टू बेयर्स हियर। और आप मानिएगा नहीं, ये पैलेस के पास ये चौक में मारा है। हम लोग का वाइल्ड लाइफ इतना अच्छा था कि यहाँ चौक तक आ जाते थे जानवर, पीछे पैंथर अंथर आ जाते थे। एक पैंथर यहाँ स्टेयर्स पे, जिस स्टेयर केस में आप चढ़ के वहाँ पे भी मारा गया है। ये मेरे ग्रैंडफादर जो कि पहले आरकेसी में थे, फिर मेयो कॉलेज में गए थे जहाँ मैं भी जहाँ से पढ़ा हूँ, ये माई ग्रैंडफादर्स हियर। तो उस समय की पिक्चर है ये। जैसे कि विरासतों में, विरासतों में मुद्राओं का भी बहुत अमूल्य योगदान रहा है। कॉइन्स, जैसे कॉइन्स, और जो उस समय जो करेंसीज चलती थी, जैसे आज नोट चलता है, सिक्के चलते हैं, तो उस समय जब आप लोगों ने अपने आप को संभाला, जब जानकारियां आपकी बढ़ी, तो उस समय जो मुद्राएं चलती थी वो किस प्रकार की चलती थी? नहीं देखिए, उस समय पहले, क्योंकि आजकल जैसे हमारे सिक्के चलते हैं वैसे तो नहीं चलते थे, तो हर स्टेट का,
अपने महाराजा के साथ वो उसका फेस पंच होता था सिक्के में, तो वैसे ही हमारे यहाँ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स चलते थे, उसकी अलग अलग वैल्यूएशन हुआ करती थी ऑफकोर्स सिल्वर गोल्ड की, तो उस समय थे और मुझे शायद देखना भी पड़ेगा शायद, मतलब मुझे पता तो नहीं लेकिन शायद एक आध सिक्का मिल भी जाए अंदर। जी जी जी, बट उसके लिए तो मुझे खुद देखना पड़ेगा। तो राजकुमार साहब आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, आपने हमें अपना राजमहल दिखाया और इतनी अच्छी जानकारियाँ लोगों तक। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर जो भालू दिख रहा है आपको, हाँ दिखा दो, आपने काला भालू देखा होगा, उसके साइड में काला भालू भी है, हाँ, लेकिन वो शेड का भालू जी बहुत रेयर है। अच्छा आपको वो शेड का भूरे रंग का दिख रहा है। हाँ जी जी, वो यूजुअली बहुत रेयर टू स्पॉट होता है और ये सारी और कई सारी ट्रॉफीज राजस्थान में मारी गई हैं, उड़ीसा में मारी गई हैं, लेकिन अधिकतर हमारी ट्रॉफीज यहीं हमारी होम ग्राउंड में मारी गई हैं। राजकुमार साहब बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, आपने हमें राजमहल घुमाया और आपको भी आभार बहुत सारा। राजकुमार साहब आप लोग दिनों में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें और इस राजपाट और इस राजवंश को जिस तरह से आप लोगों ने संजो कर रखा हुआ है, जिस तरह से इन्होंने एक एक नाम लेके दादा पर दादाजी और आपको भी पता है, तो उस तरह से जिस तरह से यादगार आपने उन्होंने अपने परिवार और वंश की सहेजी हुई है। हम चाहते हैं शुभकामनाएं आपको कि आपके राजनीतिक जीवन, आपके जो पारिवारिक जीवन है, आपका युवा जीवन है, आपका आगे का करियर है, वो बहुत उन्नत दर्जे का रहे, बहुत आगे शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम जी, धन्यवाद। तो राजा साहब के महल और राजा साहब से बातचीत और राजकुमार साहब से बातचीत करने पर हमें भी एक राजा जैसा फील आने लग गया, हालांकि मैं एक सामान्य सा पत्रकार हूँ, बहुत सामान्य से व्यक्ति हूँ। और राजा साहब से ये इंटरव्यू कैसा लगा और राजकुमार साहब से हमारी बातचीत उनको कैसी लगी, बात करेंगे और पूछेंगे। राजा साहब हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, आप लोगों से भी और आपसे मिलके और अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई और आपको, आपके परिवार को और आपके इस चैनल केपी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब आपके शब्दावली में या आप आदेश कर दें जैसे राजा जी आदेश करते थे और या फिर आप आग्रह कर दें, तो केपी न्यूज़ के जो सब्सक्राइबर उनको जरा आप देख कर, राजकुमार साहब से भी मेरा अनुरोध है, उनको देखकर ये कह दें कि केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है और ऐसी खबरों को और ऐसी जानकारियों को और ऐसी विरासतों को दिखाने के लिए हम सदैव तत्पर रहें और इसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके जो शब्द। जितने भी दर्शक हैं जो केपी न्यूज़ को देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनको मैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि केपी न्यूज़ देखते रहें और देख के उत्साहित होते रहें और केपी न्यूज़ भी प्रदेश के हित में, जनता के हित में अच्छा काम करे, इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। तो राजा साहब से हम कोई अशर्फियाँ तो नहीं मानेंगे, आशीर्वाद और प्रगति के लिए हम जरूर आशीर्वाद मानेंगे उनसे। तो आप लोगों से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यू वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएँ।